उत्तर प्रदेश में भी लड़खड़ा रही है एनडीए। मोदी की मंत्री के बाद योगी के मंत्री ने दिखाए बागी तेवर। राजभर ने कहा कि भाजपा के साथ सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की स्थिति में वो राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार में भी 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। कुछ दिनों पहले बिहार एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम लिया और 3 दिन पहले किसी तरह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दूसरे सहयोगी दल लोजपा को बना लिया, तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगी दल भिदक गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल अपना दल के बाद अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा को बागी तेवर दिखाते हुए अकेला चलने की धमकी दी है। SBSP के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर भाजपा ने सहयोगी दलों को सम्मान और सीट बंटवारे में उचित हिस्सेदारी नहीं दी तो वो लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेंगे। राजभर ने कहा कि भाजपा के साथ सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की स्थिति में वो राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार में भी 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कही है। उन्होंने कहा अगर भाजपा के साथ सीट बंटवारे पर हमारी कोई डील नहीं होती तो हम यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के तैयार हैं। बिहार में भी 16 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले भी राजभर भाजपा से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल 19 दिसंबर को गाजीपुर में पीएम मोदी की जनसभा है। भाजपा ने इसके लिए राजभर को आमंत्रित नहीं किया है, इससे वो खड़े खड़े से नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 19 दिसंबर को गाजीपुर नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSNational न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें व कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।